करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 29th of February 2024, लास्ट डे ऑफ द मंथ फरवरी, थर्सडे, एंड आई एम योर होस्ट आशीष। कल के दिन में यूएस जीडीपी डेटा आया जो एट 3.2% आया अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ 3.3%। तो डॉलर इंडेक्स हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, बट आज के दिन में यूएस और पीसीए डेटा है जिसके ऊपर मार्केट पूरा का पूरा नजर लगाए हुए। सो यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो आपका एक रेंज के अंदर में अटका हुआ है। यहाँ पे आपका देखोगे 22 फरवरी का एक पिन बार कैंडल एंड कल के दिन में एक इन्वर्टेड पिन बार कैंडल। ये दो कैंडल का यानी कल के कैंडल का हाई एंड 22 तारीख के कैंडल का लो बिकम्स इंपॉर्टेंट जोन। इस जोन के बाहर प्राइस को पहले निकलना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन एक बढ़िया सा मोमेंटम के बारे में हम सोच सकते हैं, अदरवाइज हमें बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। ये वाला जोन मैं बात कर रहा हूं, ऑन द हायर साइड आपका 104.25 एंड ऑन द लोअर साइड इज योर 103.40। इस दोनों रेंज के अंदर में मार्केट अभी है, कंसोलिडेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग आइदर साइड ब्रेकआउट, क्या ये आज के यूएसपी कोर पीसी डेटा के बाद ब्रेकआउट करेगा, ये हमें देखना है। अगर हम आरएसआई टर्म्स में देखेंगे, वीकली आरएसआई एट 51.18, डेली आरएसआई एट 50.50, सो ये साइडवेज जोन पे अटका हुआ। Before going to the other currency pairs, I would like to start with dollar yen. Dollar yen में क्या हुआ? कल के दिन में नहीं, आज morning में BOJ का board member Hajim Takata क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि the central bank must consider overhauling its ultra loose monetary policy, including an exit from negative interest rates and bond yield control. जिसके कारण एक स्टेटमेंट के कारण ये डॉलर येन जो है 100 पिप्स नीचे आ चुका है, 100 पिप्स नीचे। सो अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें देखना है, ये तो एक स्टेटमेंट है, अभी बीओजे ने बोला नहीं कि हम ये करने वाले हैं, डिसीशंस ये ले रहे हैं, चेंजेस ये कर रहे हैं, अभी तक कुछ कंक्रीट हुआ नहीं है, सिर्फ कमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोर्ड मेंबर्स ये काम हो चुका है। तो अभी हमें देखना है सब्सिक्वेंटली क्या होते हैं। ये जो प्राइस है हमारा, ये इंतजार था ये ट्रेंडलाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देने के लिए। आज स्टार्ट ऑफ द डे पे ये ऑलरेडी काफी 100 पिप नीचे आ चुका है। क्या रेस्ट ऑफ द डे इंडियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट एंड अमेरिकन मार्केट में डॉलर येन फर्दर वीक होते हैं या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कंटिन्यूएशंस, ये भी हमें देखना है। सो एज ऑफ नाउ एक 100 पिप का डैमेज एक ही स्टेटमेंट में हो चुका है। सो फर्दर हमें इंतजार करना है, क्या ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यू करेगा या नहीं। अभी आते हैं डॉलर रुपी में कोई नई बात है नहीं, वही कंसोलिडेशन के अंदर में है। लेट द मार्केट टू डिसाइड कब मैं ब्रेकआउट करने वाला हूं, तब तक मार्केट प्राइस एक्शंस को हम देखते हैं। अभी जीबीपी डॉलर में कल के दिन में एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बना रहा था, इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.2621 बट क्लोज्ड हायर एट 1.2661, यानी प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। दैट बीइंग द केस, इसका जो लोकेशन है एट द प्रीवियस सपोर्ट कम रेजिस्टेंस, यानी इस लेवल पे ये सपोर्ट था, उसके बाद ये लेवल पे ये रेजिस्टेंस बन गया था, यहां पे एक सपोर्ट लिया। दिस इज चेंज इन पोलैरिटी, चेंज इन पोलैरिटी लेवल्स में। अभी क्या करना है? अभी हमारा ये जो जोन है, ये जो आपका 23rd February ऑनवर्ड्स जितना भी हाई बनाया है उसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं जीबीपी डॉलर
इन सच केस एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉसिबिली टुवर्ड्स 1.2750, ये पॉसिबल है यूएस 4 पीसीए डेटा के बाद। क्या ये ऐसा होते हैं हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं आपका जीबीपीआईएनआर। जीबीपीआईएनआर में भी कल एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया था टुवर्ड्स 104.69, बट एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म हुआ। ये स्पिनिंग टॉप जो बना हुआ है ये चेंज इन पोलैरिटी लेवल, पहले सपोर्ट था सब्सिक्वेंटली रेजिस्टेंस बना था और यहीं पे ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट है। नाउ कल का जो स्पिनिंग टॉप का हाई इज इंपॉर्टेंट, इसके हाई के ऊपर दैट मींस 105.35 के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही बात है, क्या कोर्स पीसी डेटा के बाद ये मोमेंटम लेगा हमें देखना। यूरो डॉलर में कल के दिन में एक अच्छा खासा सेलिंग आया था फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ योर 1.0846 टू एन इंट्राडे लो ऑफ 1.0796, बट द लो लेवल कुडंट गेट प्रोटेक्टेड और डिफेंडेड, रेदर बायर्स टुक इट हायर एंड क्लोज्ड यूरो डॉलर एट 1.0838। दैट बीइंग द केस, यहां पे एक बढ़िया सा हैमर, बढ़िया सा पिन बार बना है। अभी बोलोगे इतना ऊपर जाके पिन बार, जनरली पिन बार तो एट द लो ऑफ द ट्रेंड में आता है, करेक्ट, एट द लो ऑफ द ट्रेंड में आते हैं, लेकिन आप अगर देखोगे ये जो आपका जोन है, ये जो लेवल है, पहले सपोर्ट था सब्सिक्वेंटली रेजिस्टेंस, सो इट्स अ चेंज इन पोलैरिटी, एट चेंज इन पोलैरिटी पिन बार, सो इसके हाई के ऊपर हल्का सा एक मोमेंटम आएगा एंड 27 फरवरी के हाई के ऊपर एक अपवर्ड बायस के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यूएस डेटा का इंतजार है। यूरो आईएनआर सिमिलरली कल एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है वही इंपॉर्टेंट जोन पे आपका। ये जो स्पिनिंग टॉप है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि हाई के ऊपर फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूशन, लो के नीचे डाउनवर्ड सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा इसके हाई या लो के ब्रेक आउट पे क्या करते हैं। अभी आते हैं येन आईएनआर, डॉलर येन हमने डिस्कस कर चुके। येन आईएनआर में जो हमारा ये था इंतजार था, इंतजार क्या था, ये जो डबल बटम में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी इनिशियल फेज है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम कहां से 0.55 से आपका 0.59 यानी 4.5 से 5 विगी का एक अप मूव का हमें इंतजार है। इसका मतलब ये नहीं अभी जाके बाय कर लेंगे और गर 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 डन डन करके ऊपर चला जाएगा, उसके लिए हमें इंतजार है। क्या इंतजार है, यही डबल बटन पे क्या कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेशन के बाद इस टाइप का डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करते हैं, इन सच ए केस एक बायस हम देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये कंसोलिडेशन अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो 0.5660 के तरफ एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर 0.5730 एंड फाइनली ये लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कॉन्फर्मेशंस है नहीं। नेक्स्ट इज योर डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी वही हमारा जो रेजिस्टेंस था उसके अपर एंड पे आके क्लोज दिया हुआ है, जो जोन था जोन का रेजिस्टेंस लेवल के अपर एंड पे आके क्लोज दिया हुआ है। अभी ये क्लोज जो है इट विल बी ए इंपॉर्टेंट ट्रिगर, क्या इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन विल टेक डॉलर कैंडी हायर but fail to sustain retain the gains and dragging it down may consider this as a false breakdown, in such a case dollar candle again niche ke taraf aane ke liye taiyar hoga, ye false breakout and false breakdown ka jo calculation se usi ke basis pe, that being the case hame dekhna hai kya ye continue karte hain on the upward directions aussie dollar mein yahan pe aapka ek pehle ek
फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा था, अभी क्या इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ते हैं आने वाले दिनों में? तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 6615, इसको भी तोड़ते हैं तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 6715। अभी CNH 7.2015, ये जो जोन, दो जोन्स बने हुए इसके रेंज के अंदर में इसको मैन्यूवर कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा इस जोन के बाहर निकलने का इंतजार रहेगा। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड करेंटली जो फ्यूचर है, इट्स ट्रेडिंग एट 83.50 एंड फ्यूचर का प्राइसिंग थोड़ा सा गड़बड़ बना रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैश चार्ट। ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट ये 81.90, यहाँ पे जो आपका एक जोन है इस जोन से बाहर निकल रहा है। ऊपर की तरफ आपका 84.30-50 एंड नीचे की तरफ 76.76। इस जोन के अंदर से निकलने देते हैं तभी जाके एक धूम धड़क का आइदर डायरेक्शन में पॉसिबल है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी कल के दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया आफ्टर द यूएस जीडीपी डेटा, करेंटली 4.28, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे बन रहे हैं। अभी जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन पिछले हफ्ते में एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया हुआ है, इस हफ्ते में एक हल्का सा बुलिश कैंडल बना रहे। आज कोर पीसी डेटा के बाद कैसे कैंडल फॉर्म होते हैं वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। यूएस टू ईयर ट्रेजरी में भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था वहां पे दो दिन बैक टू बैक नेगेटिव बना हुआ है। अभी ये थोड़ा सा हमें देखना है क्या यूएसपीसी डेटा के बाद क्या दोबारा ये 4.75 के ऊपर चले जाते हैं या नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। विशिंग यू ऑल ए नाइस डे एहेड।